जय हिंद भाई। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक BRO की भर्ती आई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हिंदी नाम है सीमा सड़क संगठन। ये भर्ती ऑफलाइन भी। इस भर्ती में 10वीं और 12वीं पास कर चुके हर युवा फॉर्म को भर सकते हैं। ये भर्ती पूरे भारत के लिए है। आप भारत के किसी भी राज्य से रहोगे इस फॉर्म को भर सकते हो। बट आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और जो बगल में घंटे का आइकन दिया है उसको भी दबा दें आल वाले पे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुँच जाए। और जितने भी भाई अपनी हाइट को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं ना, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग हाइट से परेशान ना रहें। ये ऐसी भर्ती है जिसमें हाइट बहुत ही कम मांगा है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको ले चलते हैं, दिखाएंगे कैसा भर्ती आया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉरम है, ये आप देख सकते हो। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्टेप पे। आपको 4 पेपर निकलवाना है इसका, ये आप देख सकते हो। एडमिट कार्ड है इसका, कुल 4 पेज है फॉरम लेके। और आपको हम नीचे ले चलते हैं, जो मेन टॉपिक है वही हम बताएंगे क्या क्या आपको करना है। यहाँ पे देखो लिखा है मेल ओनली, मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई। इस फॉर्म को केवल मेल कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं। यहाँ लिखा है फीमेल कैंडिडेट नीड टू नॉट अप्लाई। नेक्स्ट हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लो आप लोग, इसका जो है सेंटर फॉर फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड राइटन टेस्ट। ये जो भर्ती है ये GREF सेंटर DG कैंप एलंदी रोड पुणे की है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले स्टेप पे। यहाँ दूसरा नंबर में आप लोग को देखना है ध्यान से, एज लिमिट रिलेशन में एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज मेंशन अगेंस्ट ईच मल्टी स्किल्ड वर्कर मेंशन के लिए बिटवीन 18 से 25 ईयर चाहिए आपको। और मल्टी स्किल्ड वेकर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 ईयर आपको चाहिए एज। जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग को बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो परमिसेबल रिलैक्स एज ओपर एज लिमिट डिफेंस कैटेगरीज एयर आज अंडर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। यहाँ UR and EWS के लिए निल है, SC ST के लिए 5 ईयर का छूट है और अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC के लिए 3 साल का छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए भी ज़्यादा छूट है इसमें और एक्स सर्विस मैन वालों के लिए भी छूट है। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर मिजेंट के लिए 5 ईयर का छूट है। आगे ये है वेट एज फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर ओनली, इसमें आपको छूट मिलने वाला है कुछ ENCC वालों के लिए। जैसे हैं सन ऑफ सेविंग के लिए 15%, ENCC B सर्टिफिकेट वालों के लिए 10% और ENCC C वालों के लिए 10% और B वालों के लिए 5%, और सेविंग GRE पर्सनल अप्लाइंग के लिए 15%। सन ऑफ एक्सपीरियंस एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 3% है। स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी लेवल जो बंदा खेला होगा उसको 5% का छूट है। और ये जो है CPL काउंसिल पेड लेबर के लिए 10% का छूट है। आपको आगे ले चलते हैं, ये देखिए जनरल कैंडिडेट एंड EWS इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 50 रुपये पे करना है और अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC के लिए भी 50 रुपये पे करना है। बाकी SC ST के लिए कोई फीस अलाउ नहीं है। और ये जो लिंक दिया है एप्लीकेशन का, इस लिंक पे आपको ऑनलाइन वाले दुकान पे जाएंगे तो बोलेंगे भाई मेरे को पैसा पे करना है, वहाँ से आपको ये पे करना होगा। उसके बाद इसमें एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस नंबर को फॉर्म में फिलअप करना है, उसके बाद फॉर्म को जमा करना है। अगला स्टेप है हाउ टू अप्लाई। 5 नंबर में अप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन इंग्लिश हिंदी ओनली, आप हिंदी या इंग्लिश में दोनों में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म को। आपको आगे ले चलते हैं और आपके लिफाफे पर ये ऊपर लिखना पड़ेगा आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कैटेगरी UR SC ST OBC EWS PWD ESM CPL वेट एज परसेंटेज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको इसको लिखना पड़ेगा।
उसके बाद फॉर्म को रख के उसके अंदर आप जमा करेंगे। अब देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल टू बी प्रोस्ट एट द टाइम। यहाँ कॉल लेटर, आधार कार्ड, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ओके, उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस भी होना ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम असिस्टेंस सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है आपके पास। और आगे ये तो दिख ही रहे हो, राइट एन एग्जाम, उसके बाद है प्रैक्टिकल इफेंसरी टेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट। अगला स्टेप है सेविंग एम्प्लॉयमेंट, इससे तो कुछ मतलब नहीं है। 10 नंबर, 12 सेविंग कंट्रीब्यूशन, 13, 14, आप लोग को आगे दिखाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही लिख लो, नहीं तो वैसे वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ये देख सकते हो आप 23 नंबर में इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसमें मल्टी स्किल्ड वर्कर मेंशन के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है, और यहाँ प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट भी दिया है उसमें, मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। और अगर आप दूसरा मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको क्लास 12 पास होना, और वो भी बायोलॉजी से, बहुत ही ज़रूरी है। और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स नर्सिंग ऑफ एक्जेलरी नर्सिंग मिडवाइफरी भी होना ज़रूरी है। आपको ले चलते हैं आगे, मल्टी स्किल्ड वर्कर 31, क्या हो गया इसको, अब फिजिकल स्टैंडर्ड, ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है भाई, जिस भाई का हाइट कम है थोड़ा उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये, देख लीजिए आप ध्यान से इसको। वेस्टर्न हिमालय रीजन के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरिया, उनका जो हाइट होना चाहिए वो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट मिनिमम 75 सेंटीमीटर, और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, और वेट 47.5 केजी होना चाहिए। और सेकंड है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम वालों के लिए जो है 152 सेंटीमीटर, और मिनिमम 75 सेमी होना चाहिए सीना, और 5 सेंटीमीटर फुलाकर, और 47.5 केजी इनका भी वेट होना चाहिए। अगला है वेस्ट प्लान रीजन, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी के लिए 162.5, ये यूपी वाले लंबा होते हैं ना, हरियाणा पंजाब वाले, इसीलिए इनका हाइट ज़्यादा दिया है इसमें। इसमें मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, इनका चेस्ट भी ज़्यादा है, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और वेट भी ज़्यादा किया है 50 केजी का। और अगला है ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड वालों के लिए 157 सेंटीमीटर, और मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और वेट 50 केजी होना चाहिए। सेंट्रल रीजन के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन, दीव, छत्तीसगढ़ वालों के लिए 157 सेंटीमीटर, मिनिमम 75 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना, और 50 केजी वेट। उसके बाद आंध्र प्रदेश वालों के लिए है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, पुडुचेरी के लिए 157 सेंटीमीटर, मिनिमम चेस्ट 75 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 50 केजी वेट होना चाहिए। गोरखा इंडियन डिमोसेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और इनका भी 75 cm चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना, और 47.5 केजी वेट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 30 वाले कॉलम में इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में, फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टी स्किल्ड वर्कर मेंशन के लिए आपको हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है, मैट्रिकुलेशन फॉर्म ए रिकॉर्डिंग वॉट आर इक्वलमेंट, और साथ ही आपके अगर आपको ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास है उसको भी आप लगा सकते हो।
और अगर आपके पास बॉर्डर के जो सटे किनारे रोड होते हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसको भी आप लगा सकते हो, काउंसलिंग फॉर वर्टिकल ट्रेनिंग सेंटर से जो आता है। नेक्स्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट का, तो इसके लिए आपको 12वीं क्लास पास होना ज़रूरी है और बायोलॉजी से, 12वीं क्लास पास विथ बायोलॉजी फॉर्म रिकॉर्डिंग बोर्ड से आपको 12वीं क्लास पास होना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें 1 ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा ANM का, नर्सिंग मिडवाइफरी का जो आता है, यहाँ देखिए लिखा है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सरी एलेक्जरी नर्सिंग मिडवाइफरी का। अब बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक की, तो व्हीकल मैकेनिक में मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है और प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल हीट इंजन इसका भी होना चाहिए, ये तो और करके अथवा करके दिया है। और 5वां नंबर है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड का है, इसमें भी आपको अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है, साथ ही प्रोसेसिंग हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए।